देखो यार, एक बात तो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि पुष्पा 2 के ट्रेलर में जो हमें दिखाया गया है ना, वो अब मुझे शायद थोड़ा सा ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि शायद वो सब कुछ नहीं है जो हमें लग रहा है होगा। सेंसर की रिपोर्ट आउट हो चुकी है अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है और मेरे पास डिटेल्स आ चुकी हैं। पहली बात तो अब श्योर शॉट कंफर्म हो चुका है, U/A सर्टिफिकेट मिला है पुष्पा को। 200 मिनट की ये मूवी है, यानी 3 घंटे 20 मिनट की मूवी। एनिमल आई थिंक 3 घंटे 21 या 22 मिनट की मूवी थी, तो इतनी लंबी मूवी होने वाली है। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं वो वाले सेगमेंट में हूं जो मुझे लगता है कि इतनी लंबी मूवी होने का मतलब है कि डायरेक्टर साहब ने कुछ छुपा के जरूर रखा हुआ है। और अगर आप ट्रेलर ध्यान से देखोगे ना, तो शायद आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज लगेगी कि जो ड्रामा का बीच का जो पार्ट है ना स्टोरी में, वो जो एक आदमी आता है लटकाए हुए जूते वूते और वो गंजा करके, वो कुछ स्टोरी टर्न्स और ट्विस्ट के साथ चलेगी। मगर ये फिलहाल हमारी उम्मीद है और ये हमारी स्पेकुलेशंस हैं। ये कितना सच होंगी ये तो वक्त बताएगा, और वक्त बहुत दूर नहीं है, 7-8 दिन दूर ही है वो वक्त। बहरहाल जो ट्रेलर के, जो पिक्चर के इंपॉर्टेंट 5 कट्स लगे हैं, ज्यादा कट्स नहीं लगे हैं, जिसमें से कुछ तो डायलॉग को ही रिप्लेस करने को बोला है या कहीं पे हटाने को बोला है, कुछ थोड़े से डायलॉग होंगे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन्होंने कुछ विजुअल्स हैं जिसमें आदमी का हाथ काटा हुआ है और टांग काटा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर सीन को ना दिखाने के लिए सेंसर बोर्ड ने इनको बोला है कि आप कटा हुआ वो सीन मत दिखाओ, बिकॉज इट्स अ यूए फिल्म, सर्टिफाइड फिल्म, तो वो सीन मत दिखाओ, ये दिखा दो काट दिया मगर उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, हाथ को, पैर को खून निकलता हुआ वो मत दिखाओ, तो वो निकाला हुआ है। और एक तो मजेदार बात यह है कि जो हाथ कटा है और जो पैर कटा है वो 3 घंटे 5 मिनट में और 3 घंटे 6 मिनट में, यानी पुष्पा भाऊ किसी का तो हाथ और पैर दोनों जाने वाला, और ये क्लाइमेक्स के ही कहानी होगी। बिकॉज अगर हम 3 घंटे 5-6 मिनट की बात कर रहे हैं तो 15 मिनट की मूवी और रह जाएगी। क्लाइमेक्स आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि क्लाइमेक्स 20 का आधे घंटे का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने पुष्पा 1 में भी यही चीज देखी थी, जो क्लाइमेक्स था ना, वो क्लाइमेक्स भंवर सिंह का और वो शादी वाला पूरा सीक्वेंस, यार वो अच्छा खासा लंबा क्लाइमेक्स था, एक ड्रामेटिक था और स्क्रीन प्ले भी था उस क्लाइमेक्स में, सिर्फ वो क्लाइमेक्स नहीं था। तो यहां पे बड़ी बात बहुत निकलती हुई आएगी। देखो पुष्पा के साथ बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ट्रेलर नंबर 2 आएगा या नहीं आएगा अब किसी बात की कोई श्योरिटी नहीं है, बिकॉज हम 5 दिन पहले बैठे हुए हैं और अगर कुछ होता तो अब तक आई थिंक पुष्पा मेकर्स निकाल दी। और आई थिंक अगर वो ट्रेलर नंबर 2 नहीं निकालते हैं या दूसरा कोई एसेट नहीं निकालते हैं, तो ये खुद में एक इंडिकेशन है कि वो जो दिखाना चाह रहे हैं वो अभी वो पूरी तरह आपको हमें दिखा नहीं रहे ट्रेलर में। दूसरी चीज, श्री लीला का और प्रोड्यूसर साहब का भी जो बयान आया है, जो मूवी उस गाने को जो मिक्स रिस्पांस मिला है किसी के वाले को, वहां पे भी उन्होंने यही बात कही कि गाना का जो सिचुएशन है ना, आपको समझ में आएगा गाना उस सिचुएशन में क्यों आया, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगेन वो स्क्रीन प्ले को आगे लेके जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, एक्साइटमेंट लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा पुष्पा का, और एडवांस पे यार देखो बहुत ज्यादा नजर रहेगी। देखो आज भी बात हो रही थी मेरी, तो उसमें यही बात हो रही थी कि पुष्पा का एडवांस अब किसके बराबर देखा जाए। पुष्पा का एडवांस क्या हम टाइगर 3 के मुकाबले देखें, जवान, पठान, एनिमल, बहुत सारी मूवीज हैं यार, मतलब KGF चैप्टर 2 का भी एक एडवांस देखा जा रहा था कि बहुत ज्यादा है। बहुत नजर रहेगी यार, ये बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है कि पुष्पा का हिंदी सर्किट में जो एडवांस बुकिंग है वो किस कदर निकलेगी। और मैं अभी किसी एक और वीडियो में, कोई और वीडियो में पूरा ओवरऑल कवर करूंगा एग्जैक्टली चल क्या रहा है, बट आज की वीडियो में आपसे सिर्फ इतनी बात करनी थी कि सेंसर रिपोर्ट पुष्पा की आउट हो चुकी है। और बाय द वे अगर जिनको नहीं पता, तो एक रिव्यू भी मैं कहीं पढ़ रहा था, वहां पे इन्होंने, अल्लू अर्जुन ने, इनके फादर ने और पूरी प्रोडक्शन टीम ने बैठ के मूवी देखी है, तो रिस्पॉन्स जो है उनका तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, उनको दे आर ऑन Cloud 9 की भाई, उनको ये लग रहा है कि मूवी काम करेगी और बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो अच्छी बात है, वो मूवी एक काम करनी भी चाहिए, बट जनता का वर्डिक्ट तो खैर 5 दिसंबर को और मोटा मोटा 4 दिसंबर को भी थोड़ा थोड़ा आइडिया रात को लगना शुरू हो जाएगा। देखते हैं शो कितने बजे का लगेगा, देखते हैं एडवांस बुकिंग कब खुलेगी, वो मोस्ट प्रॉब्ली 30 को खुलनी चाहिए, देखते हैं एडवांस बुकिंग कितना धंधा करेगी, देखते हैं फर्स्ट डे में पुष्पा क्या कुछ कमाल करके दिखाएगी। टेक केयर, बाय बाय।